वो है पहले का जो लोगो है वो, और उस पे लोगो में लगा जो पेंट आपने। तो हम लोग जो मुख्य द्वार है, मुख्य किला है, उसको इंटर कर चुके हैं गाइस। आइए आप लोग को लेके चलते हैं वहां से। आई थिंक ज्यादा दूरी नहीं होना चाहिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पद्मा का मुख्य किला जिसको बोलते हैं, वहां पे पहुंच चुके हैं, वहां पे दिखाते हैं गाइस। तो वेलकम है आप लोग को इस ब्लॉग में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है आप लोग के लिए, इतना मेहनत करते रहते हैं तो थोड़ा सा बस अपना हाथ को कष्ट दे के और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, दिखाइए। आप लोग के लिए हम लोग इतना दूर दूर से मेहनत से वीडियो बनाते हैं। हजारीबाग से लगभग 30 किलोमीटर पद्मा आए हैं वीडियो बनाने। सो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं पद्मा का जो मुख्य किला है वहाँ पे। आइए अंदर चलते हैं, दिखाते हैं जो किला है गाइस। ये आप लोग को बताते चल रहे हैं कि 650 पुराना किला है। राजा कामाख्या नारायण सिंह जो राजा रामगढ़ के राजा थे, उसके वंशज थे, वो बनाए थे किला। और इतना पुराना किला है गाइस, इसकी जब स्थापना हो रही थी, जब नींव रखा रहा था वो 1366 ईस्वी में नींव रखा रहा था गाइस। यहाँ 1366 ईस्वी में, इतना पुराना है गाइस। और ये जो राजा कामाख्या नारायण सिंह के वंशज लोग थे, वो बड़का गाँव से इचाक होते हुए पद्मा में आके बस गए थे। इसका कुछ अंश हम लोग का बड़का गाँव में भी है और कुछ अंश इचाक में भी है। तो आइए लोग अंदर लेके चलते, दिखाते कितना बड़ा बड़ा महल होता था, राजमहल होता था, क्या होता था, सब कुछ का आप लोग अंदर देख सकते हैं। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, वो प्राचीन किला को एक पैसा कमाने का रूप बना चुके हैं। जो कोई भी अंदर जाना चाहता है, जो घूमने जाता है, उससे वो लोग पैसा लेते हैं तो ही अंदर जाने देते हैं, अन्यथा वो लोग नहीं जाने देते, उन लोग से लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। आप लोग भी वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ के स्थानीय निवासी लोग लड़ाई कर रहे हैं, अंदर जाने से निरंतर रोकते रहते हैं, जबकि यहाँ का जो रूल है वो अंदर आप लोग जा सकते हैं गाइस। अरे भाई, यहाँ का दिखाएंगे, पैसा देंगे तब यहाँ का दिखाएंगे, बताओ। हम लोग किला के अंदर आ चुके हैं गाइस, और यहाँ पे आप लोग को दिखा रहे कितना बड़ा बड़ा रूम होता है, कितना बड़ा हॉल है। पहले के जमाना पे ये जो अंडरग्राउंड वायरिंग हुआ है, कुछ सोफा बचा हुआ है जिसपे सब कीड़े मकोड़े सब लग चुके हैं। जो पीछे आप लोग देख रहे हैं इतना बड़ा जो ये मूर्ति है, ये राजा कामाख्या नारायण सिंह का है, चित्र है। ऊपर में कुछ लोगो अभी भी थोड़ा बचा हुआ है, बाद बाकी धीरे धीरे ये समय के अनुसार खराब होते जा रहा है। तो ये जो पानी चूने या फिर सड़ते जा रहा है धीरे धीरे गाइस, आप लोग देख सकते हैं। और पहले के जमाने में जो फॉल्स सीलिंग था, सबसे बड़ी बात है कि पहले के जमाने में फॉल्स सीलिंग था। अभी अभी लोगों को करवाने में दिक्कत होती है, क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं, लेकिन पहले जमाना पे राजा लोग फॉल्स सीलिंग करवाते थे। पहले के जमाना की जो लकड़ियां हैं, जो सीढ़ी में लगा हुआ है, ये अभी तक जिंदा है, अभी तक इसकी सांसें चल रही है। आज के जमाने में यहाँ पे 40-50-100 साल जाते जाते सब मर जाते हैं, सब खराब हो जाते हैं, सब सड़ जाते हैं, लेकिन पहले के जमाने में आप लोग मार्बल देख सकते हैं गाइस, कितना पुराना है, कितना सही है, कितना दिन तक चल रहा है। ये अंग्रेजों के जमाना का, इससे भी पहले का है। अभी का इतना ज्यादा करप्शन, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि लोग थोड़े ही दिन में इतना करप्ट कर देते हैं कि बस कुछ ही दिन चल पाता है, चाहे वो सड़क हो या घर हो, महल हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, बाद बाकी धीरे धीरे वो खराब हो जाता है। लेकिन पहले के जमाने की जो लकड़ियां देख सकते हैं, इतना ज्यादा अच्छा है। मैं क्या बताऊँ, ये सब चला खिड़कियां तो देख सकते हैं, सब सीमेंटेड है, ठीक है, और इतना सुंदर सुंदर है। ऊपर लोगो बना हुआ है गाइस राजा कामाख्या नारायण सिंह का। और यहाँ पे जो है ये कितना भव्य सीढ़ी बनाया गया है कि एक ऐसा आया, एक सीरियल के टाइप से एक ऐसा नीचे से एक आया और ऊपर दो में बट गया। आइए आप लोग को नीचे का हॉल दिखाते हैं। पहले के जमाने आप लोग को शीशा दिखाते हैं जिस पर राजा रानी अपना चेहरा देखा कर देते हैं। तो आइए आप लोग पहले जमाने के कांच दिखाते हैं, शीशा दिखाते हैं, पहले का ड्रेसिंग टेबल बोल सकते हैं इस तरह से, देखिए इतना बड़ा शीशा। पहले के जमाने के जो शीशा है इतना बड़ा हुआ करता था गाइस, इधर इतना बड़ा हॉल टाइप से है। एक वो किला रहा जिसको हम लोग दिखा चुके हैं, अब ये दूसरा जो किला उसके जस्ट बगल में किला है, पार्ट दूसरा है, पार्ट टू बोल सकते हैं, किला एक है पार्ट टू है। सही देखते हैं गाइस, अब इतना बड़ा दरवाजा आप लोग देख सकते हैं, इतना बड़ा पूरा भव्य किला बोल सकते हैं। यही सर बीम बनता है, ये तो मतलब को नहीं पता।
इतना, ये तो इतना पुराना देख सकते हैं, ये भी 650 साल पुराना। आज के जो लोहे होते हैं वो 40-50 साल में ही पूरा जंग खा जाते हैं। आई डोंट नो गाइस यहाँ पे इतना ज्यादा होल क्यों बनाया हुआ है, ये जो कुआं टाइप से बनाया हुआ है क्यों है क्या है मुझे नहीं पता, बट यकीनन घूमने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। आप लोग भी अगर आना चाहे तो मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग भी आ सकते हैं। हजारीबाग से ज्यादा नहीं, 25-30 किलोमीटर दूर है, उतना दूर से हम लोग आते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं दिन भर दिन, कुछ कभी कभी खाते भी नहीं है। तो बस आप लोग को क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर कर देना है, बस इतना ही थोड़ा सा करना है गाइस, इससे हम लोग को मोटिवेट मिलता है और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, काफी इंटरेस्टिंग। तो जी हाँ गाइस, वो पल आ चुका है जिसके लिए हम लोग इतना दूर से आए। आइए आप लोग दिखाते हैं, आप लोग ये जो हॉल देख रहे हैं, आप लोग ये जो पूरा हॉल देख रहे हैं, ये राजसभा है। पहले का जो राजा थे, राजा कामाख्या नारायण सिंह के जो पूर्वज थे, वंशज थे, जो रामगढ़ के राजा थे, वो यहीं पे राजसभा होता था। आप लोग टीवी सीरियल में देख सकते हैं कि एक साइड राजा बैठा हुआ होता है और बाकी सब साइड मंत्री बैठे हुए होते हैं, तो वो यहीं पे होता था। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा द्वार है, दरवाजा है। आप लोग आगे आप लोग और कुछ बातें बताते हैं, काफी ज्यादा पूरा जर्जर हो चुकी है, आप लोग ऊपर देख सकते हैं। पहले के जमाने में फॉल्स सीलिंग होता था, ये तो ये बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है कि पहले के जमाने में इतना फॉल्स सीलिंग कैसे बनाते थे, पहले के कारीगर इतना भयानक कलाकृतियां कैसे करते थे। आप लोग देख सकते हैं आज के जमाने में जहाँ लोग नॉर्मल छत तक बनाने में असमर्थ होते हैं, पहले के जो राजा थे वो फॉल्स सीलिंग, पहले के जो वो कारीगर होते थे वो फॉल्स सीलिंग कैसे बना देते थे। आप लोग को दिखाते हैं कि राजा कहाँ पे बैठते थे, रानियां कहाँ पे बैठती थी और मंत्री लोग कहाँ पे बैठते थे। तो वो जो हॉल देख रहे हैं आप लोग, बीच में जो हॉल देख रहे हैं वहाँ पे राजा बैठते थे, साइड साइड में दो दो रानियां बैठती थी और बाकी इधर का जो भी एरिया दिख रहा है आप लोग को, जितना भी आप लोग को इधर का जो लोकेशन दिख रहा है, इधर का सब में पूरा जो मंत्री लोग होते थे वो मंत्री बैठते थे और यहीं पे मीटिंग हुआ करती थी, किस क्षेत्र को लड़ना है, किसको जीतना है, कहाँ पे पराजित होना है, क्या करना है, कितने घोड़े लेके जाना है, कितने हाथी लेके जाना है, सब कुछ यहीं पर तय होता था, सब कुछ यहीं पर डिसाइड होता था। तो आप लोग को एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं, वो चीज़ है लोगो। आप लोग को और एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं, जो 650 साल पुराना चीज जो बचा हुआ है वो है पहले का जो लोगो है वो, और उस पे लोगो में लगा जो पेंट आप लोग को जूम करके देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है रामगढ़, मतलब जो रामगढ़ राज्य है, जो भुरकुंडा से आगे जो रामगढ़ है वो रामगढ़ का जो राजा हुआ करता था उसी का वंशज यहाँ पे आया था शासन करने के लिए हजारीबाग में। आप लोग और एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते जो पहले जमाने में बचा हुआ है, देखिए सीलिंग फैन मोटर, आई थिंक पहले भी बिजली हुआ करती होगी, 650 साल पहले बिजली हुआ करता होगा, तभी तो यहाँ पे अंडर वायरिंग देखने को मिल रहा है, सीलिंग में लगा पंखा देखने को मिल रहा है, झालर में लगा बल्ब देखने को मिल रहा है। तो इस सभी बातों से पता चलता है कि पहले भी बिजली हुआ करता होगा। तो हेलो गाइस, आज हम लोग हजारीबाग से लगभग 22 किलोमीटर दूर आ चुके हैं पद्मा नामक स्थान पे, जो पद्मा किला है, ये झारखंड के पूरा ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है पद्मा किला, जो काफी रहस्यों को अपने में समेटे हुए है और मुझे निश्चित रूप से पता है कि सब रहस्यों के बारे में आप लोग को भी नहीं पता है। तो आइए आज के वीडियो में सब रहस्यों के पर्दाफाश करते हैं, दिखाते इतना पुराना किला। ये जो किला है ये 100, 200, 300 साल पुराना नहीं है गाइस, 650 साल पुराना, जी हाँ 650 साल पुराना है ये जो किला है गाइस, ये राजा बागदेव सिंह का था। जी हाँ, राजा बागदेव सिंह जो रामगढ़ के राजा थे राजा कामाख्या नारायण सिंह, उनके पूर्वज थे राजा बागदेव सिंह। ये जो किला यहाँ पे जब आए थे तो बागदेव से आ रहे थे, बड़का गांव से इचाक होते हुए पद्मा में आके बस गए, और 650 पहले का ये जो बात है, ये जो किला आप देख रहे हैं, ये जो किला है ये है हवा महल, ये हवा महल किला है। तो आइए चलते हैं अंदर, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और हम हर वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब करने नहीं बोलते हैं, तो इस वीडियो में कम से कम लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सीआरडी वाले दया की जरूरत है, दही समझ आप देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं गेट लॉक था, तो हम लोग थोड़ा परमिशन लिए, बोले कि काफी दूर से आए हैं अंकल, तो थोड़ा परमिशन मिला हम लोग ऊपर जाने के लिए। तो आइए आप लोग ऊपर का सीन दिखाते हैं, पहले के जमाने में इतना चौड़ा चौड़ा इतना छोटा सीन होता है गाइस, आप लोग देख सकते हैं, काफी मशक्कत के बाद परमिशन मिला है, बोले तो ऊपर जाने से मना है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं ये इतना बड़ा हॉल है पूरा, यहाँ पे कुछ होता होगा, इतना सुंदर सुंदर कलाकृतियां थी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पुराना हो चुका है गाइस। आइए आप लोग और ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं ऊपर से कैसा व्यू आता है। एक्चुअली ऊपर न जाने का सबसे बड़ा रीजन है कि ये जो किला ये काफी पुराना हो चुका है,
और पुराना होने के कारण धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं, तो ऊपर जाने से बिना जाने किसी ने कुछ हादसा हो जाए, इसलिए लोगों मना करते हैं ऊपर नहीं जाना। देखिए ये गोगल, ये गोगल बना हुआ है, आई डोंट नो क्या होता होगा, पहले के जमाने में ऐसा घर क्यों बनाया जाता था, अब का तो बस छत पे छत पे छत पे छत बन जाता है, लेकिन पहले के जमाने में आप लोग देख सकते किस तरह से पूरा घुमावदार बनाया हुआ है। अब तो ये बस सीढ़ियां कबूतरों का रहने का स्थान बन चुका है। आइए आप लोग को लेके चलते आगे, दिखाते हैं कुछ पुरानी पुरानी यादें जो पूरा इतिहास में आप लोग को ले जाने पे मजबूर कर देगा। हम लोग को पूरा लोगों को यहाँ पे आने से मना किया जाता है, नीचे पे जो ऊपर आने की जो सीढ़ी है वहीं पे गेट लगा दिया गया, उतना ज्यादा खराब नहीं कि लोग ऊपर आएंगे तो ये धस जाए या फिर टूट जाए या कुछ हो जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है। आइए आप लोग को थोड़ा सा बाहर की नजर दी, यहाँ से बाहर इतना सुंदर देखने में लगेगा गाइस कि क्या बता, जैसे आज के डेट में बालकनी होता है वैसे ही पहले के डेट में भी बालकनी बनाया जाता था, आप लोग देख सकते हैं। वाओ, इधर बालकनी का व्यू है पूरा। जब आप लोग बालकनी होते हुए आइएगा तो इधर का एक रूम, आइए इसको भी दिखाते हैं। पहले के जमाने में कितने से ज्यादा अच्छे से फर्श बना हुआ करता था, आप लोग देख सकते हैं रंग बिरंगा फर्श बना हुआ है, देख सकते हैं जो आज के डेट पे टाइल्स होता था वो 650 पुराना इसमें है, 650 पुराना साल है, उसके जमाने में देखिए आप लोग कितना ज्यादा ये सब फर्श बना हुआ करता था। और इधर ना जाने किसी कारणवश या क्या हुआ मुझे नहीं पता, आप लोग को पता बताइएगा, इधर का जो खाई था जाने का रास्ता वो धंस चुका है। जी हाँ गाइस, धंस चुका है, इतना ज्यादा पुराना होने के कारण पूरा धंस चुका है, और शायद अब ये भी ज्यादा दिन नहीं रहने वाला, ये भी धंसते ही जा रहा है। इधर एक और आप लोग को आर्ट दिखाते हैं, देखिए अगर कोई इसको पसंद हो तो कमेंट में जरूर बताइए किसका आर्ट है, किनका आर्ट है, क्यों बनाया गया, आप लोग को पता हो तो बताइए गाइस। यहाँ से सीधे में एक रास्ता क्या होगा, आई थिंक आप लोग देख पा रहे हो या नहीं कैमरा में, वो रास्ता हम लोग को मुख्य किला लेके जाएगा। अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये हवा महल था, यहाँ पे पूरा ठंडा ठंडा हवा चलते रहता है। ये जो चार दीवारी है, ये चार दीवारी हर दीवार पे खिड़की है, हर दीवार पे दरवाजा, हर दीवार पे चित्रकलाएं बनाई हुई है, तो इसलिए इसका नाम शायद हवा महल रखा गया। और ये तापमान बना बहुत मेंटेन करके रहता था, गर्मी दिन में ठंडा, ठंडा के दिन में गर्मी, इस टाइप से पूरा जो आज के डेट में जो मिट्टी के घरों में देखने को मिलता है वो पहले के जमाने में हवा महल के नाम से जाना जाने वाला घर पे मिलता था जो पद्मा में स्थित है। तो आइए आप लोग को मुख्य द्वार, मुख्य किला, मुख्य पद्मा जो भी बोलना है वो मुख्य वाला लेके चलते हैं और वहां पे दिखाते हैं वहां का क्या व्यू है। यहां का कुछ आप लोग ड्रोन व्यू देखिए, कितना मजा आता है, कितना खूबसूरत है, कितना क्या है, आप लोग सब कुछ देखिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा। जो है ये हवा महल, हवा महल से अब हम लोग जा रहे हैं रानी की पोखर की ओर।